नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 में आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए हम सब शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को देखते हैं और किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं इन प्रश्नों को जरूर देखिए। एकदम बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ। एकदम देखिए, हाल ही में किस देश ने पौधों से निर्मित पहला कोविड वैक्सीन बनाया? चूंकि सुपर टेट में बहुत बड़े योगदान आपको मैं बार बार कह रहा हूँ कि करंट का है, करंट को देखते चलिए, करंट को पढ़ते चलिए, करंट नहीं पढ़ेंगे लगभग 25 से 30 नंबर आपको जो है ये करंट से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी, ठीक है ना। तो आइए महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला को हम सब देखते हैं। रूस का विखंडन कब हुआ? 1991 ईस्वी में, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? मुंबई करेगी, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रश्न आप सबको जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों के एक शानदार श्रृंखला मिलने जा रही है और सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कर दीजिए, आप सब के लिए ये महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक ना। तो आइए देखते हैं पहले ही प्रश्न को कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपको जो थे कौन थे? केशवानंद भारती, वी एन रमन्ना या मार्कंडेय काटजू या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है वर्तमान में, तब बताइएगा। वी एन वी रमना जो है ये आपको संयुक्त भारत के जो है कि ये वर्तमान में आपको जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी कार्यरत हैं, ठीक ना। ये आपको 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं, ठीक, 48वें मुख्य न्यायाधीश, ठीक ना, न्यायाधीश के रूप में है। जब पूछा जाए कि सर्वोच्च न्यायालय के, कमेंट बॉक्स में बताइए प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश ये पिछले परीक्षा में पूछा था कि देश के प्रथम सुपर टेट में प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है, कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप सब जवाब दीजिए जल्दी से, ठीक ना। नेक्स्ट, तब तक हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करता है? ये 6 वर्षों में करता है या 5 वर्षों में करता है, 3 वर्षों में या 2 वर्षों में, कितने वर्षों में राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो वित्त आयोग का यदि आपसे पूछा जाए कि किस अनुच्छेद में उल्लेख है वित्त आयोग, कोई बताएगा? कोई भी विद्यार्थी यदि वित्त आयोग का, तब बताएगा कि वित्त आयोग का उल्लेख जो है ये संविधान के अनुच्छेद 240 में आपको वित्त आयोग का गठन की बातें की गई हैं। और आपको वर्तमान समय में एन के सिंह जो है ये वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं और कुल आपको जो है ये कैवें नंबर के हैं, तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष आपको यही हैं, ठीक ना, ये 15वें। 14वें नंबर पर डी सुब्बा राव थे, 13वें नंबर पर विजय केलकर साहब थे। और वित्त आयोग का कार्यकाल जो होता है ये 5 वर्ष का होता है, तो प्रत्येक 5 वर्ष पर आपको जो है कि वित्त आयोग के का गठन किया जाता है, ये 15वां वित्त आयोग है। नेक्स्ट देखिए, समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किससे विधि बनाने का अधिकार दिया गया, यानी किसे समवर्ती सूची पर कौन कानून बना सकता है? संघ बना सकता है, राज्य बना सकता है, संघ और राज्य दोनों बना सकते हैं या राष्ट्रपति बना सकता है, कौन बना सकता है ये आपको जवाब देना है। तब बताइएगा कि समवर्ती सूची ये लिया कहाँ से गया है, तो ये बताइए कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। और सूचियों का उल्लेख किस में है,
तब बताएगा कि अनुसूची सात में सूचियों का उल्लेख किया गया है। अनुसूची सात में आपको सूचियों का उल्लेख किया गया है। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों आपको जो है कानून बना सकते हैं। पहले केंद्र के द्वारा बनाया जाएगा, बाद में यदि कोई ऐसा विषय है जिस पे राज्य सरकार भी कानून बनाना चाहे तो केंद्र और राज्य दोनों बना सकती हैं। लेकिन केंद्र और राज्य दोनों के बीच मतभेद है और उस विषय पर, तो ऐसी स्थिति में आपको जो है कि केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, ये भाग पूछ रहा है। तब बताइए, मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व या उद्देशिका या संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे भारतीय संविधान का आपको आत्मा कहकर संबोधित किया जाता है। तब जब पूछे तो इस प्रश्न के अनुसार आपका जो जवाब हुआ वह उद्देशिका या प्रस्तावना को, या प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि अनुच्छेद 32 ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है इसे अनुच्छेद 32 में इसका उल्लेख किया गया है और इसे भीमराव अंबेडकर ने, बीआर अंबेडकर साहब ने, अंबेडकर साहब ने इसे संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा? संविधान की आत्मा कहकर संबोधित किया। जबकि आपको जो है कि कुछ विद्वान मौलिक अधिकार को भी संविधान की आत्मा कहते हैं, वही आपको जो है कि एक विद्वान है ग्रीनविल महोदय, ऑस्टिन ग्रीनविल, ग्रीनविल जो है ये आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व को भारतीय संविधान की आत्मा कहकर संबोधित करते हैं। ऑस्टिन ग्रीनविल अमेरिकी संविधानविद, आपको बुद्धिजीवी, साथ साथ ही बहुत बड़े आपको लेखक भी माने जाते हैं, ये इन्होंने आपको राज्य के नीति निदेशक तत्व को कहा। नेक्स्ट, ये शानदार तरीके से नितिन सर के द्वारा इंडिविजुअल आपको जबरदस्त तरीके से लिखा गया है। साथ ही साथ आप देखोगे तो इसमें 140 घंटे का वीडियो लेक्चर है, फ्री टेस्ट सीरीज है, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल भी है और ऑफलाइन डाउनलोड करने की भी सुविधा आप सबके लिए दी गई है। तो इस तरह से आप देखिए तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए ये हिंदी, जहाँ पे आप एक भी गलतियाँ ना कर सकें, ऐसी चीज़ें आपको बताई गई हैं। साथ ही साथ ग्राम विकास अधिकारी का भी बैच हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से संचालित है और आप इसे भी परचेज कर सकते हैं, ये भी आपके सुनहरे भविष्य में काफ़ी सहायक सिद्ध होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, यानी भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज बी आर अम्बेडकर ने, महात्मा गांधी ने, दीनदयाल उपाध्याय ने या मोहम्मद अली जिन्ना ने। तब तो इस ऑप्शन के अनुसार ही पकड़ लोगे, जिन्ना से कुछ लेना देना नहीं था। दीनदयाल उपाध्याय जो थे इनका भी संविधान के निर्माण में योगदान तो था लेकिन बहुत फेमस नाम नहीं थे। गांधी जी संविधान से इनको कुछ भी नहीं लेना देना, सिर्फ और सिर्फ ये कहा जाता है गांधी जी के राम राज्य की परिकल्पना कहाँ देखने को मिलती है। तब बताइएगा, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 40 में गांधी जी के राम राज्य के परिकल्पना की बातें की गई हैं, जहां लिखता है कि ग्राम पंचायतों के गठन की बातें की गई हैं। वहीं बी आर अंबेडकर ने भारतीय संविधान को पवित्र दस्तावेज कहकर संबोधित किया है और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान, भारत के संविधान का पिता, ठीक ना, या जनक, जनक या पिता भी, जनक या पिता भारतीय संविधान का कहा जाता है। साथ साथ ही ये आपको मसौदा समिति, मसौदा समिति या पंडुलेखन समिति के ये अध्यक्ष भी थे, ठीक ना, प्रथम और अध्यक्ष, ठीक ना, प्रथम अध्यक्ष या अध्यक्ष, प्रथम कह लो, यही थे। साथ साथ ही और कह सकते हो देश के प्रथम कानून मंत्री भी थे,
प्रथम कानून मंत्री, आजादी के बाद देश के प्रथम कानून मंत्री बाबा साहब ही बनते हैं। बाबा साहब को आपको जो है कि इन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारत शासन अधिनियम द्वारा राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह जो है हमारा क्या है भाई, राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ, ये कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1948 ईस्वी को, 2 अक्टूबर 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, या 26 जनवरी 1950 को, किस तिथि को इसे अपनाया गया? तब आप जवाब दीजिएगा कि 26 जनवरी 1950 को देश का राजकीय चिन्ह अपनाया गया। साथ साथ ही इसी तारीख को भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस भी घोषित किया जाता है। ये आपको गणतंत्रीय दिवस जो है 26 जनवरी 1950 और इसी तिथि को संविधान लागू भी होता है। संविधान जिस दिन लागू हुआ उसी दिन आपको राजकीय चिन्ह को अपनाया गया। जबकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, संविधान तैयार हो गया था, ठीक ना। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय हमारे संविधान के निर्माण में लगा था और लगभग 64 लाख रुपए आपको खर्च भी हुए थे, ठीक। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तब आप जवाब दीजिएगा, उद्देशिका जो है ये संविधान के आत्मा कहलाता है, उद्देशिका को ही संविधान के आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट अगले प्रश्न में देखिए, भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ये आपको नए राज्यों के गठन और आपको जो है के नामों में परिवर्तन, इन सबको अधिकार भारतीय संसद में निहित है। अब क्या है, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप इस प्रश्न के जवाब में दीजिएगा कि संसद के साधारण बहुमत द्वारा आपको जो है नए राज्यों के गठन या सृजन का अधिकार आपको संसद के पास दिया गया है। नए राज्य के गठन करने का अधिकार जो है ये संसद के पास है, और ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र में आपको जो है भाग एक अनुच्छेद आपको 1 से लेकर 4 तक जो है ये संघ और उसके राज्य का उल्लेख दिया गया है। संघ एवं उसके राज्यों का उल्लेख किया गया है, ठीक ना। पहले में ही कहा गया भारत, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, ऐसी बातें की गई हैं। नेक्स्ट देखिए, ये CBT2 जबरदस्त तरीके से हमारी संस्था की ओर से तैयार किया गया है, और ग्रुप डी के भी आप सबके लिए सुनहरे भविष्य के लिए ये चीजें हैं। साथ ही साथ यूपी पुलिस और कांस्टेबल के भी बैच हमारी संस्था की ओर से संचालित है, और आप इस सब का भरपूर लाभ ले सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगले इसमें चलते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तब बताइएगा, आंध्र प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, या कर्नाटक का? तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ, और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को भाषाई आधार पर गठित होने वाला यह पहला राज्य है। जबकि आपको भाषाई आधार पर दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा राज्य गुजरात है। गुजरात भाषाई आधार पर, गुजराती भाषा के आधार पर 1960 ईस्वी में महाराष्ट्र से अलग हुआ और एक नए राज्य के रूप में अस्तित्व में
आया, क्योंकि आपको राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कुल 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है, ठीक ना। तो ये बातें आपको हुई। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तब आपको जो है भाग एक में, भाग दो में, भाग आपको जो है कि सात में या भाग नौ में, तब आप सब बताइएगा कि भाग दो में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ आपको अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता का उल्लेख किया गया है। भारत में जो है नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से, आपको ब्रिटेन के संविधान से आपको नागरिकता लिया गया है। किस प्रकार की नागरिकता है? तो भारत में एकल प्रकार की नागरिकता आपको है। सर्वप्रथम नागरिकता संशोधन अधिनियम कब आया? तो 1955 ईस्वी में पहला नागरिकता संबंधी आपको अधिनियम आता है। तो ये प्रमुख बातें हुई। जबकि 2003 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति की सिफारिश पर भारत में दोहरी नागरिकता के प्रावधान की बातें की गई और दोहरी नागरिकता अधिनियम 2005 में इसे लागू कर दिया जाता है। ये महत्वपूर्ण बातें रहती हैं। नेक्स्ट देखिए, गुप्तकालीन दशावतार मंदिर, चूंकि कला और संस्कृति से आपकी परीक्षाओं में हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं और कला और संस्कृति में आप जवाब देंगे दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में है, तिगवा में है, भीतरगांव में है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो भगवान विष्णु के दशावतार मतलब 10 अवतार का मंदिर जो है ये देवगढ़ में है। और ये देवगढ़ कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश के आपको जो है ललितपुर जिले में, पहले झांसी किताब लिखता था, ठीक ना, ललितपुर जिले में आपको यह दशावतार मंदिर है। और ये आपको कह सकते हैं कि ईंटों से निर्मित प्रथम मंदिर है, ईंटों से पूर्णतः निर्मित प्रथम मंदिर थे। भगवान विष्णु के 10 अवतार का जिक्र इसमें किया गया है, चाहे वह मत्स्य अवतार हो, कुर्म अवतार हो, वाराह अवतार हो, आपको जो है नरसिंह अवतार हो, वामन अवतार हो, बुद्ध हो, कल्कि हो, परशुराम हो, राम हो या आपको बलराम, ये सभी 10 अवतारों का जिक्र आपको जो है कि किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल प्लानिंग का गठन यानी नेशनल प्लानिंग कमेटी यहाँ होना चाहिए, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन आपको किसने किया था? ए आपको जवाहरलाल नेहरू ने, या आपको जो है कि ए दयाल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा? तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आपको किया गया था। और कब किया गया था? तो 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में आपको जो है कि ये नेशनल प्लानिंग कमीशन का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये अध्यक्ष हुआ करते थे। ये विश्वेश्वरैया, श्री राम, ये सब आपको इसके सदस्य हुआ करते थे। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है ये आपको सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1938 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन में किया जाता है। किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, राजस्व लेखपाल शानदार नया बैच संस्था के द्वारा 600 से अधिक वीडियोस आपको जो है के टी सीरीज, स्मार्ट पीडीएफ मटेरियल, ऑफलाइन डाउनलोड क्लासेस की भी सुविधा आपको दी गई है, ठीक ना। तो ये महत्वपूर्ण बातें हुई। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारत में अनवरत योजना आपको किस वर्ष कार्यशील रहा? तब अनवरत योजना आपको 1968 से 69 या 78 से 69 या आपको 69 से 80, तब
या 90 से 91, तब अनवरत योजना जो है ये आपको गॉडगिल योजना के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। इसे गॉडगिल कह रहे हैं, ये गुरनार मिर्डल मॉडल के नाम से भी इसे जानते हैं, ठीक ना। गॉडगिल ही बोलते हैं। ये आपको कब है, तो अनवरत योजना 1978-79 में आपको आए। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार थी, जनता पार्टी की सरकार थी, ठीक ना। और आपको मोरारजी देसाई जो थे ये भारत के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। ये योजना आपको जो है पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पूर्व ही बंद करके जनता पार्टी सरकार के द्वारा अनवरत योजना प्रारंभ किया गया था, ठीक ना। ये आपको जो है उसमें डीपी लकड़वाला जो थे योजना आयोग के उपाध्यक्ष हुआ करते थे। साथ साथ ही अनवरत योजना को रोलिंग प्लान के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहते हैं, रोलिंग प्लान के नाम से भी जाना जाता है। अनवरत योजना का जो कार्य था ये 1978 से लेकर 1980 ईस्वी तक अनवरत योजना चली। 1980 ईस्वी में श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार बनी और अनवरत योजना को बंद कर दिया जाता है। इसके बाद आपको छठवीं पंचवर्षीय योजना चलाई जाती है। दो प्रश्न यहाँ और बनते हैं। एक बनता है कि कौन सा पंचवर्षीय योजना एक वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई, तब बताइएगा कि पांचवी पंचवर्षीय योजना। कौन सी पंचवर्षीय योजना दो बार शुरू हुई, तो छठवीं पंचवर्षीय योजना आपको जो है ये दो बार शुरू होती है। एक अनवरत योजना के रूप में यानी रोलिंग प्लान के रूप में, और दूसरा श्रीमती गांधी आती हैं तो इसे बंद करके और पुनः आपको चालू कर देती हैं छठवीं पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना आपको जो है कि प्राथमिकता क्या थी, तो पहली पंचवर्षीय योजना प्रौद्योगिकीकरण पर था, नगरीकरण पर था, कृषि का विकास था या शिक्षा का प्रचार प्रसार था, तो देश तो भूखों मर रहा था, तो इसलिए पहले पंचवर्षीय योजना जो थी ये कृषि के विकास पर आधारित थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात की जाए तो इसकी समय अवधि जो थी ये 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक आपको यह पंचवर्षीय योजना चली थी, ठीक ना। और यह पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डूमर मॉडल पर आधारित थी, डूमर मॉडल पर आधारित थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान पहली आपको जो है योजना सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर, ऐसे कर लो, सामुदायिक विकास कार्यक्रम ये आपको पहली योजना के रूप में प्रारंभ होता है। और ये कब होता है, तो 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को आपको ये पहली योजना भारत में आती है। तो ये सारी बातें आप सबके लिए इस समय आपको जो है कि योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष के रूप में गुलजारी लाल नंदा जो थे ये योजना आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में थे। नेक्स्ट, डूमा रोज बायोडायवर्सिटी पुस्तक के लेखक कौन है। ये आपको पर्यावरण से संबंधित, जिसे ईवीएस आप लोग बोलते हैं, ईवीएस से संबंधित बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डूमा रोज बायोडायवर्सिटी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर वंदना शर्मा या डॉक्टर जी सी पांडे, इनमें से कौन है जो इसके लेखक माने जाते हैं, ठीक ना। तब आप बताइएगा कि जो है डॉक्टर वंदना शर्मा के द्वारा टुमारोज बायोडायवर्सिटी नामक पुस्तक को लिखा गया। टुमारोज बायोडायवर्सिटी इस पुस्तक की रचना जो है ये आपको डॉक्टर वंदना के द्वारा ही किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ये जीवाश्म नेशनल पार्क अवस्थित है, कहाँ है, केरल में है, कर्नाटक के धारवाड़ में है या मध्य प्रदेश के मांडला में है या छत्तीसगढ़ में है,
तब जीवाश्म नेशनल पार्क जो है बच्चा, ये आपको मध्य प्रदेश के मांडला जिले में आपको जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। कहाँ? मध्य प्रदेश के मांडला में आपको जीवाश्म नेशनल पार्क स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न में, ये नितिन सर के द्वारा शानदार तरीके से भारतीय प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सभी एक शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों के श्रृंखला है जो कि ई बुक्स के रूप में यानी पीडीएफ के रूप में आपको उपलब्ध है और बिल्कुल शानदार तरीके से आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम विहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिम विहार जो है ये आपको सबसे छोटा पश्चिम विहार भी कह सकते हैं, ये उन्नाव में है, सुल्तानपुर में, प्रतापगढ़ में या सिद्धार्थ नगर में, तब नवाबगंज पश्चिम विहार ये उन्नाव जिले में स्थित है। कहाँ? उन्नाव जिले में नवाबगंज पश्चिम विहार आपको स्थित है, ठीक ना, नवाबगंज में। चलिए नेक्स्ट देखिए अगले प्रश्न के ओर आइए, ये आपको जो है सुमिलित करिए। अब इंद्रावती, इंद्रावती जो है ये बस्तर जिला में आपको है, बस्तर, ठीक ना, छत्तीसगढ़ के बस्तर में आपको जो है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको कहाँ पे स्थित है? तब बताइए कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मांडला जिले में आपको एमपी, सब के सब एमपी ही हैं ये सब, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक ना, छत्तीसगढ़, शहडोल भी एमपी में ही है, तब आप देखोगे तो आपको यहाँ पर मिला, ठीक ना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के विषय में यदि बातें की जाए तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो आइए देखिए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश के जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान आपको मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। वहीं आपको बांधव माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है शिवपुरी में स्थित है। तो इस तरह से आप देखोगे तो पहले का दूसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और चौथे का तीसरा, 2 4 1 3, 2 4 1 3 ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 आपका जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक ना, 2 बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर आइए, ये देखिए आपको प्राप्त इतिहास के अनुसार सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य बनाने का आदेश देने वाला पहला शासक कौन था? तो इतिहास के पन्नों में सिकंदर था, अकबर था, अशोक था या चार्ल्स जो है छठवां था, तब आप जवाब दीजिएगा कि वह इतिहास जो राजा था वो अशोक हुआ करता था, जिसने आपको जो है कि पेड़ पौधों लगाने के लिए, सड़कों के किनारे, ये सारी बातें, आपको सर्वप्रथम वन्य जीव अभयारण्य स्थापित करने का आदेश, ये सब अशोक के द्वारा दिया जाता है। साथ ही साथ अशोक अपने पहला जो है कि अभिलेख में पशु बलि की निंदा भी करता है और इन्हें जंगलों में छोड़े जाने की बातें भी उसके द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखिए विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? ये परीक्षा में पिछला सुपर टेट में क्वेश्चन पूछा था, विश्व जैव विविधता कब मनाया जाता है, तब बताएगा कि 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस का आयोजन किया जाता है। ये आप तीनों याद करिएगा, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई, ये तीनों तिथि आपको जो है कि जैव विविधता की दृष्टि से या ईवीएस में आपको इन तीनों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक ना। तो 22 मार्च को आपको जो है जल दिवस के रूप में मनाते हैं, फिर आपको जो है कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाते हैं, और जबकि 22 मई को हम सब विश्व पारिस्थितिकी दिवस के रूप में या जैव विविधता दिवस के रूप में हम सब आयोजित
करते हैं। वही आपको 2 फरवरी जो है वो किस रूप में, तो वेटलैंड दिवस के रूप में या आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। ये हमारे जो है प्रवीण सर हैं, मैथ के बिग बॉस, शानदार तरीके से इन्होंने मैथ्स को पढ़ाया है और आप सब पढ़ सकते हैं, आपकी सुनहरे भविष्य के लिए ये जरूरी भी है, क्योंकि परीक्षा को किसी एक विषय से पास नहीं किया जा सकता, परीक्षा को पास करने के लिए आपको हर विषय आनी चाहिए। ठीक ना, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर एक बार मैथ लेकर देखिए, परचेज करके देखिए, आपके लिए आपकी सुनहरे भविष्य के लिए काफी लाभप्रद होगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मशीन बायोडायवर्सिटी किस शहर में स्थित है, जिसे आपको शॉर्ट फॉर्म में NCMB के नाम से भी जाना जाता है, ये किस में है, भावनगर। ये भावनगर कहाँ है भैया, ये गुजरात में है। ठीक ना, जामनगर ये भी आपको गुजरात में है, मुंबई में है या पुदुचेरी में है, इनमें से किस स्थान पर भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मिशन बायोडायवर्सिटी आपको जो है ये संस्थान स्थित है, तब आप बताइएगा कि यह आपको जो है जामनगर में है। और एक चीज और बता दें, जामनगर में ही भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भी है, और यह रिलायंस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी भारत की सबसे बड़ी कौन सी है, तो जामनगर रिलायंस इंडस्ट्री की है, यही आपको जो है। और एक चीज, जामनगर में आपको जो है आम के उत्पादन में इधर जामनगर बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है, क्योंकि जब सरकार ने रिलायंस कंपनी को आपको दिया था तो जमीन में ये बात कही थी कि मुझे ये पर्यावरण से हरा भरा रहना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में आपको रिलायंस कंपनी के द्वारा सड़क के दोनों छोरों पर जबरदस्त प्रकार के आम के वृक्ष लगाए गए, जो इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट जबरदस्त तरीके से वर्तमान में हो रहा है। ठीक, तो जामनगर आपको गुजरात में बहुत प्रसिद्ध स्थान है। नेक्स्ट देखिए, पायरोमीटर किसके मापन में किया जाता है, वायुमंडलीय दाब के लिए, आद्रता के लिए, घनत्व के लिए या उच्च ताप के लिए, पायरोमीटर से आप किसकी माप करते हैं, तब आप जवाब दीजिएगा कि पायरोमीटर से उच्च दाब की माप की जाती है। ठीक ना, पायरोमीटर जो है उच्च दाब के मापन में आपको सहायक होता है। नेक्स्ट चलिए, अच्छा आद्रता, वायुमंडलीय आद्रता किस में मापी जाती है, कोई बताएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भाई, जल्दी से आपके कमेंट को देखा जाएगा कौन कितना सही जवाब दे रहा, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या कहते हैं, बैरोमीटर किसे कहते हैं। ठीक, तो ये जल्दी से आप लोग बताइए किसे कहते हैं। ठीक, आर्द्रता, वायुमंडलीय आर्द्रता को मापी किस में जाती है। साथ ही साथ अगले प्रश्न में आपको जो है दूध के घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है, बैरोमीटर के द्वारा या आपको हाइग्रोमीटर के द्वारा या लैक्टोमीटर के द्वारा या हाइड्रोमीटर के द्वारा, किसके द्वारा आपको दूध का घनत्व मापा जाता है, तब आप जवाब दीजिएगा लैक्टोमीटर के द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है, जबकि बैरोमीटर के द्वारा वायु दाब को मापा जाता है, और आर्द्रता यहीं पे आपको जो है हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता को मापी जाती है। नेक्स्ट देखिए, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब हुआ, तो प्रथम संशोधन की बात नहीं है बच्चा, अब तक सिर्फ और सिर्फ भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एकमात्र बार संशोधन किया गया है, और वह है 42वां संविधान संशोधन 1976। ये आपको 42वां संविधान संशोधन जो है, संविधान संशोधन 1976 के तहत अब तक प्रस्तावना या उद्देशिका में एक बार संशोधन किया गया है, और यह वाद था केशवानंद भारती बनाम भारत सरकार। ठीक ना, केशवानंद भारती बनाम भारत संघ, भारती बनाम भारत संघ, ये वाद था। ठीक ना, इसी वाद में आपको संविधान के, और इसी समय 3 शब्द भी जोड़ा जाता है, क्या क्या जोड़ा जाता है, तो पंथ निरपेक्ष, निरपेक्ष, आपको समाजवाद और अखंडता, ये 3 शब्द भी आपको इसी समय जोड़ा जाता है, ये महत्वपूर्ण बातें।
हुई। चलिए अगले आपको प्रश्न के ओर चलते हैं हम लोग। लेखपाल शानदार तरीके से ग्राम समाज एवं विकास लिखा गया है और जल्द ही आप सबको फॉर्म फिलअप करा लिया गया है, एग्जाम भी आप सबका होगा जल्द ही। ठीक, तो चलिए शानदार तरीके से इसके लिए तैयारी जबरदस्त तरीके से करिए और ये आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भी साबित होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? ये आपको विधायिका को, कार्यपालिका को, न्यायपालिका को, या इनमें से किसी को नहीं। तो भैया कानून बनाने का काम किसका होता है? कानून बनाने का काम हमेशा विधायिका का ही होता है। कार्यपालिका का काम जो है कानून को लागू करवाना, और न्यायपालिका का काम जो होता है ये होता है कि कानून का पालन सही तरीके से किया जा रहा है अथवा नहीं, ये काम आपको जो है कि न्यायपालिका करती है। जबकि कार्यपालिका जो है, भारत का कार्यपालिका प्रमुख जो है राष्ट्रपति होते हैं। आर्टिकल नंबर 53 में इस बात का जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होगा। जबकि आपको राज्य में कार्यपालिका का प्रमुख जो है ये राज्यपाल होते हैं। तो इस तरह से कानून बनाने का काम हमेशा विधानमंडल का है या विधायिका का होता है, जिसे हम संसद के नाम से जानते हैं, राज्यों में विधानमंडल कहते हैं। और आप सब इसमें तीनों चीज शामिल होती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे राज्य विधानमंडल में आपको जिन राज्यों में द्विसदनीय विधान परिषद है वहां पे आपको विधानमंडल है, तो उन राज्यों में द्विसदनीय यानी आपको विधानसभा और विधान परिषद, साथ साथ राज्यपाल, और जिसमें एक सदनीय है तो वहां पे विधानसभा और राज्यपाल, ये आपको विधायिका के रूप में कार्य करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए। किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ है? किसके सिक्कों पर? आपको कुतुबुद्दीन ऐबक के सिक्कों पर, या इल्तुतमिश के सिक्कों पर, या अलाउद्दीन खिलजी के सिक्कों पर, या आपको अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर? तब आप बताइएगा कि बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम जो है कि अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर किया गया है। वैसे मैंने इसकी व्याख्या में कई अन्य किताबों में जो है UGC नेट की किताबों में उसमें मैंने पाया कि इल्तुतमिश का नाम भी जिक्र है, लेकिन चूंकि अलाउद्दीन मसूद शाह आपको ये भी गुलाम वंश का ही शासक था और इसी के द्वारा बगदाद के खलीफे का नाम सर्वप्रथम अंकित मिलता है। किसके? अलाउद्दीन मसूद शाह के, आपको जो है कि इसी का नाम जो है उल्लेखित मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगले प्रश्न के ओर चलते हैं हम सब। ये रहा आपके सामने किसके सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का सर्वप्रथम, तो यही प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। इस प्रश्न में आपको देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये आपके लिए, ये अलाउद्दीन मसूद शाह ही हैं, इनका नाम आपको उल्लिखित किया गया है। ठीक ना, चलिए नेक्स्ट ये रहा आपके सामने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो कौन सा मकबरा है? यानी शुद्ध इस्लामी शैली में हुमायूं का मकबरा है, या बलबन का मकबरा है, ऐबक का मकबरा है, या अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है? तब आप बताइएगा कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित पहला मकबरा बलबन का मकबरा जो है ये शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित भारत का प्रथम मकबरा माना जाता है। ये बलबन का मकबरे का निर्माण स्वयं बलबन के द्वारा करवाया गया था और ये शुद्ध इस्लामी शैली में बना हुआ है। ये आपको शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से आपको हिंदी के जबरदस्त मॉडल टेस्ट सीरीज और इसमें आपके सुनहरे भविष्य भी है। ठीक ना, तो आपके सुनहरे भविष्य के लिए यह काफ़ी लाभदायक है और आपको जो है कि आपके मार्ग पर आपको ले जाने के लिए, चूंकि नितिन सर आउटस्टैंडिंग हिंदी पढ़ाते हैं इसमें कोई दो राय नहीं। ठीक ना, यूट्यूब में एक एक, मतलब कि ऐसे समझिए कि एक एक करोड़ लोग इस वीडियो को, इनके वीडियो को लोगों ने
देखा है। तो आइए देखते हैं, YouTube की दुनिया में करोड़ों वीडियो देखने वाले आपको पहले शायद हिंदी के टीचर होंगे नितिन सर, ठीक। तो देखिए इनके टेस्ट सीरीज को जरूर देखिए और एकदम शानदार तरीके से उसमें चीजों को पिरोया भी गया है। नेक्स्ट आइए अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में आपको निर्मित है, ये कौन सा मकबरा है? तब आप जवाब दीजिएगा कि बलबन का मकबरा जो है शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा माना जाता है, शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित प्रथम मकबरा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में को सही प्रकार से सुमेलित करना है आपको जो है कि देवी चंद्रगुप्तम नाटक के लेखक विशाख दत्त रहते हैं, वहीं मृक्ष कटिकम के लेखक जो हैं ये आपको शूद्रक रहते हैं, ठीक ना, शूद्रक। स्वप्ना अवदास दत्तम के लेखक आपको जो हैं ये आपको कौन है? विशाख दत्त, स्वप्ना अवदास, शिशुपाल वध, बधनम, इन सभी में आपको जो है कौन से सही आपको हैं? तब देखिए ये आपको पहले का तीसरा, तीन तीन दो जगह मिल गया भाई, ये आपको दो दो भी दोनों जगह मिल गया भाई। अब क्या है भाई, तो स्वप्ना अवदास दत्ता के लेखक भास हैं, आपको भास किसमें मिले? ये भास यहाँ पे मिल गए। इस तरह शिशुपाल बधनम के लेखक माघ हैं, माघ के द्वारा शिशुपाल बधनम लिखा जाता है, ठीक ना, किसके द्वारा? तो माघ के द्वारा आपको शिशुपाल बधनम लिखा जाता है। वहीं किराता अर्जुनियम की रचना भारवी के द्वारा की जाती है। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर, 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक, ये बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, निम्न को सही सुमिलित करिए, एक तरफ आपको जो है कि राजा और दूसरे तरफ उनके समय के सौराष्ट्र प्रांत के प्रांतपति हैं, सौराष्ट्र जिसे आज हम लोग गुजरात बोलते हैं, ठीक ना, गुजरात प्रांत के प्रांतपति हैं, गवर्नर हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त वैश्य जो था वहां का गवर्नर हुआ करता था और इसके द्वारा ही उज्जयंत और रैवतक पर्वत को काटकर जो है कि सुदर्शन झील का निर्माण करवाया जाता है। वहीं आपको बता दें यमन तुशास्त्र जो था ये आपको अशोक के समय में यमन तुशास्त्र वहां का शासक हुआ करता था। तो एक और एक यहाँ आया। अब यमन तुशास्त्र आपको जो है बी का तीसरा, रुद्र दामन के समय में सुविशाख दत्त हुआ करता था और स्कंद गुप्त के समय में चक्रपालित हुआ करता था। तो इस तरह आप देखोगे तो 1, 3, 2, 4 बिल्कुल सही जवाब आपको हुए, 1, 3, 2, 4, ठीक। चलिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये निम्नलिखित को सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। अब यहाँ पर भी आपको अगला मिलान करने के लिए आ गया। ये समुद्रगुप्त का दरबारी हरिसेन हुआ करता था। अब हरिसेन एक में आ गए। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इसका दरबारी आपको जो था वह कौन होता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आपको जो है ये चंद्रगुप्त के समय में आपको कौन होता था? तब देखिएगा चंद्रगुप्त, अच्छा ये सॉरी मैं दिमाग मेरा जो है, एक मिनट बच्चा, ये एक कहाँ से? 2 हुआ ना, ये हमने देखा क्या कि पहले का दूसरा 2 में आया। अब आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आपको वीरसेन हुआ करते थे, वीरसेन चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। तो इस तरह कुमारगुप्त के समय में आपको जो थे ये पृथ्वीसेन थे और स्कंद गुप्त के समय में चक्रपालित थे। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यानी ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा। 2 जो है ये बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक ना, 2 आपके लिए बिल्कुल सटीक जवाब माना जाएगा। नेक्स्ट, ये हमारे संस्था की ओर से शानदार तरीके से सामान्य ज्ञान, बहुत अथक प्रयास मैंने इसको लिखने में किया है, आप सब जरूर परचेज करिए और देखिए कि किस तरह से आपको ये मिलेगा, ठीक।
नेक्स्ट, अच्छा अगला, DPIFF 2022 महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड जो है 2022 में आपको सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार यानी डेब्यू करने के लिए किसा दिया गया है? अहान सिट्ठी को दिया गया है, मोहित बंसल को, सुधीर जम्बवाल को या टाइगर श्रॉफ को? किसे आपको 2022 में एंट्री करने के लिए दिया गया है तब बताइएगा। ये टाइगर श्रॉफ तो पहले से ही है, मोहित बंसल भी आपको पहले से ही है, लेकिन अहान सिट्ठी जो है इन्हें सर्वश्रेष्ठ पदार्पण का पुरस्कार अहान सिट्टी को दिया गया है, ठीक ना। अहान सिट्टी को सर्वश्रेष्ठ पदार्पण पुरस्कार दिया गया है। वही 70वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप में किस पुरुष एवं महिला टीम ने जीत हासिल की? यानी पुरुष टीम आपको पहले है और महिला टीम बाद में है। वो महाराष्ट्र और हरियाणा के, कर्नाटक और लद्दाख के, हरियाणा और केरल के या उड़ीसा और राजस्थान के? आपको 70वीं जूनियर बेसबॉल सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप आपको किसके द्वारा जीता गया तब बताइएगा कि पुरुष वर्ग में आपको हरियाणा ने जीता था और महिला वर्ग में केरल ने जीता था। चूंकि ये ऑप्शन ऐसा बना है कि ज़्यादातर महिला खिलाड़ी आपको जो है वो कहाँ से? हरियाणा से है, और ऐसी स्थिति में आप गलतियां नहीं करिएगा, बिल्कुल अपोजिट है। आपको महिला जो पुरुष जो है हरियाणा से है बेसबॉल में, और महिला आपको जो है ये आपको जो है केरल के है, ठीक ना, केरल की महिलाएं हैं। तो इस तरह आप सबने ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर होगा। दो जो है, तीन जो है ये बिल्कुल सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारत की यूपीआई प्रणाली, ये सब करंट का क्वेश्चन है भैया, यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बना है? यानी भारतीय जो यूपीआई प्रणाली है उसे नेपाल ने अपनाया है, भूटान ने अपनाया है, श्रीलंका ने अपनाया है या म्यांमार ने अपनाया है? तब बताइएगा भारतीय यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला विश्व का पहला देश नेपाल बना। नेपाल विश्व का पहला देश है जिसने भारतीय यूपीआई प्रणाली को अपनाया। चलिए नेक्स्ट, नेपाल की राजधानी काठमांडू है, आप सबको पता भी है। सार्क का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय भी काठमांडू में ही है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप लोग पता होना चाहिए। कहाँ, नेपाल भी एक हिंदू राष्ट्र है, ठीक। नेक्स्ट, ये आपको जो है कि शानदार तरीके से सामान्य गणित हमारे उमेश सर के द्वारा लिखा गया है, और ये हम सबके सुनहरे भविष्य के लिए बड़ा ही फायदे लाभप्रद है। नेक्स्ट देखिए, 2023 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के सत्र की मेजबानी कौन करेगा? तो 2023 के अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मेजबानी बीजिंग, मुंबई, पेरिस या जिद्दा? तब बताइएगा कि मुंबई जो है ये आपको 2023 के ओलंपिक की मेजबानी करेगा, ठीक ना। 2023 के ओलंपिक की मेजबानी आपको जो है बम्बई के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जारी अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत कैवें स्थान पर है? तो बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 43वां है। कैवा है भारत का स्थान जो है 43वां स्थान भारत का अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में आपको है, ठीक ना। जबकि पहले स्थान पर कौन है? तो अमेरिका है। दूसरे स्थान पर यूनाइटेड किंगडम है, यूएसए फर्स्ट है, और यूके ये आपको सेकेंड है, और थर्ड पर आपको जर्मनी है, और भारत का स्थान जो है ये 43वें स्थान पर बौद्धिक संपदा में भारत का स्थान है। यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन है, ब्रिटेन को यूनाइटेड किंगडम भी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, युद्धाग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों की वापसी के लिए आपको भारत सरकार ने किस मिशन की शुरुआत की? तो यह मिशन ऑपरेशन विजय है, ऑपरेशन गंगा है,
ऑपरेशन मैत्री है या ऑपरेशन सूर्य होप है, तब बताएगा कि यह भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा जो है यूक्रेन में फंसे भारतीय मेडिकल के छात्र और भारतीय लोगों को वहां से बाहर निकालने के लिए मोदी सरकार के द्वारा आपको शुरू किया गया था। जबकि ऑपरेशन विजय कारगिल से संबंधित था, ऑपरेशन मैत्री जो थे ये आपको आपको नेपाल में आए भूकंप के बचाव के लिए ऑपरेशन मैत्री शुरू किया गया था। तो ये आपको जबरदस्त किताबें अब आपके द्वार तक शानदार तरीके से आप पुस्तकों को परचेज कर सकते हैं और आपके घर तक ये पुस्तकें पहुंच जाती हैं बड़े ही इजी वे में, ठीक ना। तो आप जरूर एक बार किताबों को खरीदिए और देखिए शानदार तरीके से। हाल ही में किस देश ने पौधों से निर्मित पहला कोविड आपको वैक्सीन बनाया? चीन के द्वारा, भारत के द्वारा, कनाडा के द्वारा या न्यूजीलैंड के द्वारा, किसके द्वारा आपको जो है पहला आपको वैक्सीन पौधों से निर्मित प्रथम वैक्सीन का निर्माण किया गया, ये कौन सा है, ठीक ना। तब बताएगा कि कनाडा दुनिया का पहला देश है जिसने पौधों से निर्मित आपको जो है वैक्सीन का निर्माण करवाया, आपको जो है कोविड वैक्सीन पौधों से इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा यूक्रेन में किन दो प्रांतों पर रूस स्वतंत्रता घोषित किया, यानी यूक्रेन के कौन से दो ऐसे राज्य हैं जिन्हें रूस के द्वारा आपको स्वतंत्र घोषित किया गया, ठीक ना। ये डोनेस्क एवं लुहांस्क है, लुहांस्क या क्रीमिया एवं खारसन है, क्यू और समी है, या इनमें से कोई नहीं। तो डोनेस्क और लुहांस्क जो है इसे रूस के द्वारा यूक्रेन से अलग करके दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में घोषित किया गया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर। ये सोवियत संघ का विघटन कब हुआ और उस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिव जो थे बुतरस घाले हुआ करते थे, उसी समय आपको जो है कि कोल्ड वार जो शीत युद्ध था अमेरिका और संयुक्त सोवियत रूस के बीच, ये आपको जो है कि समाप्त हो जाता है और बर्लिन की दीवारें ढाह दी जाती हैं। इसके साथ ही आपको जो है ये कौन सा वर्ष हुआ करता था, तब आप जवाब दीजिएगा कि यह आपको जो है 1991 ईस्वी में आपको जो है कि रूस से 15 राष्ट्र जो है वो अलग हुए, ठीक। कितने 15 राष्ट्र रूस से अलग हुए, जिसमें यूक्रेन था, क्रीमिया था, चेकोस्लोवाकिया था, युगोस्लोवाकिया था, आपको जो है मेसोडोनिया था, आपको लिस्बन, ये सभी जो थे ये सब के सब रूस से अलग होकर हुए और बर्लिन की दीवारें ढा गई। यहीं से आपको शीत युद्ध का अंत हो जाता है, ठीक ना। शीत युद्ध का अंत हो जाता है का अंत, और विश्व में अमेरिका सबका दादा बन जाता है, ठीक ना। शीत युद्ध जो है 1948 से लेकर 1991 ईस्वी के बीच शीत युद्ध लड़ा गया, जिसे इंग्लिश में कोल्ड वार के नाम से जानते हैं। इसमें ऐसा लगे कि एक जुबानी युद्ध हो और लगे कि अब बम पटक दिया जाएगा, लेकिन दोनों राष्ट्रों ने अपने तरफ से जबरदस्त तरीके से संयम को बरता और अंतर्राष्ट्रीय जगत में कौन किसके साथ जा रहा है ये चीजें भी बड़ी मायने रखी। ऐसी स्थिति में भारत ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में न अमेरिका तरफ गए न रूस के तरफ, बल्कि इन्होंने एक अलग से गुट निरपेक्ष राष्ट्र जिसे नाम के कहते हैं नॉन अलायंस मूवमेंट के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में आपको यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में की जाती है, जिसमें जनरल टीटो रहते हैं, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू रहते हैं, मिस्र के राष्ट्रपति नासिर हुसैन रहते हैं और इंडोनेशिया के आपको राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो, ये सभी के नेतृत्व में आपको गुट निरपेक्ष राष्ट्र, यानी हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम एक अलग से। और आज संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद गुट निरपेक्ष राष्ट्रों का समूह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा संगठन के रूप में
जाना जाता है। तो इस तरह से हम सबने महत्वपूर्ण बातों को देखा, समझा, जाना। तो ये आपको एक महत्वपूर्ण श्रृंखला रही। आज आप सबके लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जबरदस्त शानदार तरीके से आप लोग लाइक और शेयर करना बिल्कुल भूल जाते हैं भाई, एकदम जबरदस्त तरीके से लाइक और शेयर जरूर करिए। आप सबके सुनहरे भविष्य के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।